दोस्तों 31 मार्च 2022 तक जीएसटी के अंदर आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी हैं। इसके लिए आपके पास आखिरी मौका है, तो वन बाय वन हम वो दोनों ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलयूटी फाइलिंग की। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एलयूटी फाइल करना चाहते हैं, यानी कि गुड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, तो आपके पास एलयूटी फाइलिंग का जो मौका है वो 31 मार्च 2022 तक है। इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, तो ये काम आपको कर लेना है। अब हम बात करते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स की। स्मॉल टैक्स पेयर्स अगर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके पास भी आखिरी मौका है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले यानी कि 31 मार्च 2022 तक आप कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पर कॉम्पोजिशन के लिए विंडो को ओपन कर दिया गया है, जिसका कि आपको ये अलर्ट भी जीएसटी पोर्टल पर शो हो रहा है कि विंडो टू ऑप्टिन फॉर कॉम्पोजिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो है अवेलेबल हो चुकी है जीएसटी पोर्टल पर। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अवेल कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम को। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको 31 मार्च 2022 तक करनी है। इसके बाद ना ही तो आप कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, और ना ही आप एलयूटी फाइल कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो चलिए इसी के साथ आपको याद दिला दूं, 20 मार्च है मंथली फाइलर्स के लिए GSTR 3B की ड्यू डेट। 20 मार्च यानी कि कल तक आपको अपनी GSTR 3B की फाइलिंग कर लेनी है।